अशोकनगर के सरोरा में राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ वादा खिलाफी की। सिंधिया ने खुद को काला कौवा बताया और अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि झूठ बोले तो कौवा काटे और ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि यह चुनाव ग्वालियर संभाग की अस्मिता और मान सम्मान का चुनाव है। 70 साल के इतिहास में ग्वालियर सीट में कांग्रेस कभी 18 सीट भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछली बार इसी संभाग के कारण प्रदेश में सरकार बनी और यहां 26 सीटें आई थी, मगर कमलनाथ ने इस पूरे इलाके का विकास रोक दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की। काले कौवे से डर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो कल मंच से कहा गया शिवराज सिंह जी के बारे में कि भूखे हैं और नंगे हैं, एक मुख्यमंत्री के बारे में ये शब्द इस्तेमाल करना, हाँ मेरे शिवराज सिंह जी भूखे हैं और नंगे हैं, इसलिए महिलाओं के लिए योजना शिवराज सिंह जी बनाते हैं। हाँ मेरे शिवराज सिंह जी भूखे थे और नंगे थे, इसलिए किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के साथ अपना 4,000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि जोड़ा है। हाँ मेरे शिवराज सिंह जी भूखे और नंगे हैं, और इसलिए कमलनाथ जी जो किसानों का फसल बीमा योजना आपने तिजोरी में बंद कर दिया था, तिजोरी तोड़कर शिवराज सिंह जी ने किसान के खाते में पहुंचाया।